विरोध व्यक्ति का प्रमाण नहीं होता, शक्तिमान वही होता है जो सहता है, जो सहन कर सकता है। अब आप ये कहेंगे कि अन्याय सहन करने को शक्ति किस प्रकार मान सकते हैं, है ना? जब हृदय से क्रोध और विरोध निकल जाता है तब सहन शक्ति ही धर्म की शक्ति बन जाती है। क्रोध से प्रतिशोध जनता है और धर्म से न्याय जनता है। तुम्हारे जीवन में भी यदि ऐसा समय आए जब तुम पर किसी भी प्रकार का अन्याय हो रहा हो, तो न्याय करने से पूर्व अपने क्रोध पर अंकुश अवश्य लगा लेना, उसके पश्चात ही अगला पग उठाना। कभी अन्याय नहीं हो सकता और मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे।